सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 MHz पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर अपने रेडियो दोस्त काजल के साथ। आज की फिल्म है अनामिका, जो साल 1973 में पर्दे पर आई और छा गई। सुरेंद्र प्रकाश द्वारा लिखित बेहतरीन कहानी, जिसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, रोमांस है, तो वहीं सिने जगत के दो दिग्गज कलाकारों संजीव कुमार और जया भादुरी का बेहतरीन अभिनय भी है। अपने नाम को सार्थक करती फिल्म अनामिका का निर्देशन रघुनाथ झालानी ने किया था, तो निर्माता थे ताहिर हुसैन, पटकथा लिखी थी शशि भूषण ने और छायाकार थे मुनीर खां। फिल्म के गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, तो संगीत दिया था आदि बर्मन ने। फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में जो गाना था मेरी भीगी भीगी सी, आशा भोसले के स्वर में आज की रात कोई आने को है, और लता मंगेशकर का गाया गाना बाहों में चले आओ ऑल टाइम फेवरेट लिस्ट में रहा है। तो आज की फिल्म अनामिका के पात्रों से आपका परिचय करा दूं। संजीव कुमार ने लेखक देवेंद्र दत्त की भूमिका निभाई है। जया भादुरी, जो अनामिका, कंचन, अर्चना कई भूमिकाओं में हैं। डॉक्टर इरशाद की भूमिका में है इफ्तिखार, शिव प्रसाद की भूमिका में है AK हंगल, हनुमान सिंह का किरदार निभाया है असरानी ने, डॉली की भूमिका निभाई है बेबी पिंकी ने, कैबरे डांसर रुबाई की किरदार में है हेलन, नरेश की भूमिका में है रमेश बहल, नरेश के पिता के किरदार में है शिवराज, अर्चना की माँ की भूमिका निभाई है अचला सचदेव ने। इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या खत्म होती जाती हैं, और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा है। फिल्म अनामिका की कहानी शुरू होती है जिसमें पर्दे पर दिखाई देते हैं देवेंद्र दत्त, जो अपनी लिखी किताब अनामिका की प्रसिद्धि मिलने पर आयोजित समारोह में लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। देवेंद्र, जो समय के बहुत पक्के हैं और थोड़े रूखे स्वभाव के हैं, उनसे उनकी किताब अनामिका के बारे में लोग तमाम तरह के सवाल पूछते हैं कि उन्होंने अनामिका ऐसा नाम क्यों रखा, क्या किसी ने उनका दिल तोड़ा है। उनकी किताब में महिलाओं को बेवफा और मतलबी बताया गया है, ऐसा क्यों? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देवेंद्र दे रहे होते हैं। उस समारोह में उनके चाचा शिवप्रसाद और देवेंद्र की छोटी सी भतीजी डॉली और देवेंद्र के सेक्रेटरी हनुमान सिंह भी शामिल होते हैं। देवेंद्र अपनी भतीजी डॉली से बहुत प्यार करते हैं। समारोह खत्म होता है और देवेंद्र, हनुमान सिंह, शिव प्रसाद और डॉली कार से घर वापस जा रहे होते हैं। तभी उनकी कार के आगे एक कार तेजी से आती है और उस कार में से एक लड़की को सड़क पर फेंक कर कुछ गुंडे भाग जाते हैं। लड़की बेहोश है। देवेंद्र और शिव प्रसाद लड़की को देखते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। वे डॉक्टर इरशाद को बुलाते हैं, जो उस लड़की का इलाज करते हैं और बताते हैं कि उसे सिर में
काफी चोट आई है। लड़की को जब होश आता है तो वह बताती है कि उसकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर इरशाद बताते हैं कि उसे आराम की जरूरत है और उसे उसका ख्याल खास रखना होगा। शिव प्रसाद और देवेंद्र पुलिस को भी इस बात की इत्तिला दे देते हैं कि सड़क पर एक लड़की बेहोशी की हालत में उन्हें मिली है। लड़की देवेंद्र को अपना पति बताती है। शिव प्रसाद छोटी सी डॉली उस लड़की से काफी स्नेह करने लगते हैं। डॉली तो उसके बिना रह ही नहीं पाती, लेकिन उधर देवेंद्र जो लड़कियों से चिढ़ा रहता है उस लड़की को भी खुद से दूर रखने की कोशिश करता है। रात बीतती है, सुबह होती है तो वह लड़की पूजा करती है। चाचा जी शिव प्रसाद और उसकी छोटी सी भतीजी डॉली उस अनजानी लड़की से इतने घुल मिल जाते हैं कि उसके बिना रह ही नहीं पाते।
चाचा जी देवेंद्र से एक दिन पूछते हैं कि उस लड़की का क्या नाम रखा जाए। देवेंद्र बताता है कि उसका नाम अनामिका रख देते हैं। अब उस लड़की का नाम अनामिका है। अनामिका देवेंद्र को बार बार अपना पति बताती है, लेकिन देवेंद्र उससे दूर दूर रहता है और चिढ़ा रहता है। एक दिन देवेंद्र बहुत नाराज हो जाता है और उसे बहुत डांट लगाता है। इससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। चाचा जी बताते हैं कि उसकी तबीयत खराब है। वह अनामिका के कमरे में जाता है और देखता है तो वह सो रही होती है। शिव प्रसाद और डॉक्टर इरशाद अनामिका से इतने प्रभावित हैं कि वो चाहते हैं कि देवेंद्र भी अनामिका को पसंद करे। अनामिका बहुत अच्छी लड़की है, किसी को भी अनामिका के बारे में, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इधर देवेंद्र भी अनामिका के स्वभाव, उसके प्यार और समर्पण को देखकर धीरे धीरे उसे पसंद करने लगता है। वह छुप छुप कर उसे देखा करता है। उसे भी वह सीधी सादी सी लड़की लगती है। एक दिन अनामिका उसके रूखे स्वभाव के बारे में चाचा जी से पूछती है तो वह बताते हैं कि देवेंद्र की जिंदगी में एक लड़की थी। देवेंद्र उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी कारणवश उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। तब से देवेंद्र का स्वभाव इतना रूखा रूखा रहता है। अनामिका कहती है कि वह तो उसका पति है, अब वह उसे प्यार देगी तो वह ठीक हो जाएगा, उसका रूखा स्वभाव ठीक हो जाएगा। देवेंद्र भी धीरे धीरे अनामिका को पसंद करता है और एक रात वह अनामिका के कमरे में आता है तो अनामिका सो रही होती है। वह उसे चादर से ढकने लगता है, तभी सोने का नाटक कर रही अनामिका उसका हाथ पकड़ लेती है।
कभी कुछ तो कहो दिया हमसे, के कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, कभी कभी कुछ तो कहो दिया हमसे, के कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, जरा तो अपने जो तुम हो अपने किसी का फिर लेते हैं कार्यक्रम सिनेमा घर में एक अंतराल। सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल, ये नया जमाना डाबर पे फ्रेश जेल का दीवाना, खुशबू जो इसकी कैसे नया डाबर रेड बे फ्रेश जेल, सासों का परफ्यूम। अंतराल के बाद फिर हाजिर हूं मैं काजल लेकर सिनेमा घर कार्यक्रम में अनामिका फिल्म की कहानी। कहानी आगे बढ़ती है, देवेंद्र अनामिका से बार बार उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह दिखाती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। इधर देवेंद्र का सेक्रेटरी हनुमान सिंह, जो थोड़ा ऊंचा सुनता है और किसी भी लड़के को देखकर उसके साथ रोमांस के सपने देखने लगता है, इस वजह से उसे कभी कभी थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। देवेंद्र की किताब अनामिका की रॉयल्टी देने नरेश उसके घर आता है, जहां अनामिका पूजा खत्म कर प्रसाद देने देवेंद्र के पास आती है। नरेश अनामिका को देखकर चौंक जाता है और वह उससे पूछता है कि यह कौन है। देवेंद्र उससे बताता है कि अनामिका का इस दुनिया में कोई नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए वह यहाँ रह रही है। नरेश अपने गुंडों को अनामिका की हत्या करने भेजता है। वह बताता है कि इसी घर में वह रहती है और वे जाकर उसे मार डालें। गुंडे सो रही अनामिका को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन देवेंद्र को इसकी भनक लग जाती है। वह गुंडों से अनामिका को बचा लेता है। इस हादसे के बाद अनामिका डरी डरी रहती है। शिव प्रसाद अनामिका और देवेंद्र को करीब लाने के लिए प्लान बनाते हैं और दोनों को शिमला भेज देते हैं। अनामिका देवेंद्र के साथ शिमला आकर बहुत खुश है। वह देवेंद्र से हंसी ठिठोली करती है, दोनों काफी खुश हैं। Thank you.
प्यारी प्यारी ये थी हमारी मोहब्बत की जिंदगी जरा कहीं को झूठा दीवाना मेरा नहीं तो सपना सुहाना मेरा हीरो सैया मैं ही हारी उल्टा बड़ा निशाना मेरा कहीं को झूठा दीवाना मेरा नहीं तो सपना सुहाना मेरा शिमला में एक साथ वक्त बिताते हैं। किसी काम के सिलसिले में देवेंद्र को एक स्टूडियो में जाना पड़ता है जहां वह अनामिका की मॉडल की तरह तस्वीर देखकर चौंक जाता है। वह फोटोग्राफर से पूछता है और पैसे देकर वह तस्वीर ले लेता है। फोटोग्राफर तस्वीर के संबंध में बताता है कि यह लड़की तो शादीशुदा है और अपने पति के साथ होटल क्लार्क आई थी जहां से उसके पति ने यह तस्वीर स्टूडियो में खिंचवाई थी, लेकिन बिना तस्वीर लिए ही वे लोग चले गए। देवेंद्र अनामिका की सच्चाई को जानकर हैरान हो जाता है। वह पता लगाने में जुट जाता है कि यह अनामिका कौन है। वह उसी होटल क्लार्क के रिसेप्शन पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि इस तस्वीर को पहचानती है, तो वह बताती है कि हाँ, एक शख्स अपनी पत्नी के साथ होटल क्लार्क में आया था, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई हुई और दोनों चले गए। देवेंद्र उस शख्स से मिलने पहुंच जाता है। वह शख्स देवेंद्र को बताता है कि यह लड़की बहुत ही चालबाज है। इसका नाम कंचन है और यह अमीर लोगों को अपनी जाल में फंसाती है और पैसे ऐंठ लेती है। यह सुनकर देवेंद्र
और भी हैरान होता है। वह उलझन में है। बाद में वह बताता है कि वह लड़की उसके साथ रात बिताने के लिए होटल क्लार्क में रुकी थी। वह ये भी बताता है कि कैबरे डांसर रुबाया ने कंचन को उसके पास भेजा था। अब देवेंद्र अनामिका को कंचन की तस्वीर दिखाता है, लेकिन वह उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वह अनामिका को लेकर उस होटल में जाता है जहां रुबाया का डांस चल रहा होता है। रुबाया डांस कर रही होती है और देवेंद्र अनामिका के साथ बैठकर उसका डांस देखता रहता है। उसे लगता है कि शायद अनामिका को अपनी बीती बातें या रुबाया को देखकर कुछ याद आ जाए। अनामिका देवेंद्र को रुबाया से मिलते हुए और बात करते हुए देखती है तो वह होटल से चुपचाप चली जाती है। देवेंद्र को यह देखकर आश्चर्य होता है कि आखिर अनामिका यहां से चली क्यों गई। रुबाया देवेंद्र को बताती है कि वह लड़की बहुत ही चालबाज है, उसका नाम कंचन है और वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने देवेंद्र को भी अपने जाल में फंसा लिया है। देवेंद्र को यह सब सुनकर बहुत ही हैरानी होती है कि सीधी सादी सी हंसने बोलने वाली अनामिका कैसे ऐसा कर सकती है, लेकिन उसे पहले ही अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में जो ठेस लगी थी उससे वह सीख गया था कि कोई भी लड़की एतवार के काबिल नहीं होती। देवेंद्र गुस्से में घर आता है और चाचा जी से कंचन यानी अनामिका की सच्चाई बताता है। चाचा जी को यह विश्वास नहीं होता कि अनामिका ऐसी हो सकती है। वह देवेंद्र से कहते हैं कि उसे जरूर गलतफहमी हुई है। अनामिका तो बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी है। वह किसी अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से है। इस पर देवेंद्र कहता है कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं। वह चाचा जी से कहता है कि आखिर क्यों उसके साथ ही ऐसा होता है। वह जिस लड़की से प्यार करता है वह उससे दूर हो जाती है। चाचा जी उसे समझाते हैं और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वह अपने काम पर ध्यान दे, अपनी अगली कहानी पर ध्यान दे। अब अनामिका यानी कंचन जब देवेंद्र के सामने आती है तो गुस्से में देवेंद्र अनामिका को घर से निकाल देता है। देवेंद्र का दिल टूट जाता है। फिर से वह हर औरत से नफरत करने लगता है। एक दिन देवेंद्र एक बहुत बड़ी पार्टी में जाता है जहां उसकी मुलाकात अनामिका से होती है, लेकिन देवेंद्र को वह पहचानने से इनकार कर देती है। वह देवेंद्र पर ताने कसती है और देवेंद्र भी उसे देखकर गुस्से में है। देवेंद्र गाना गाता है। पलकों के रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जल मन
तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तो भीतर से मेरी भीगी भीगी सी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी होता है। अनामिका यानी कंचन यह गाना सुनकर बहुत उदास हो जाती है और रोती हुई पार्टी से अपने घर आती है। वह बिस्तर में पड़े रो रही होती है तभी वहां देवेंद्र आ जाता है। उससे पूछता है कि आखिर कंचन अनामिका ये क्या है, क्या सच्चाई है उसकी। वह बहुत परेशान है। वह बताए कि उसे क्या परेशानी है और वह क्यों कंचन बनकर अनामिका बनकर छल कर रही है। अनामिका यानी कंचन उसे बताती है। यहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अनामिका यानी कंचन, उसका नाम अनीता होता है। वह कॉलेज के दिनों में मन ही मन देवेंद्र से प्यार करती है। उसने देवेंद्र को देखा नहीं है। वह उसकी किताबें पढ़ती है, उसके लिखे उपन्यास को पढ़कर बिना देखे बिना मिले उससे बेइंतहा प्यार करती है। उसके कॉलेज में ही
रमेश है जो अनामिका को परेशान करता रहता है। एक दिन अनामिका उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। अनामिका को मॉडल बनने का शौक भी है, लेकिन उसकी मां को कैंसर है। वह अपनी मां से मिलने आती है। वह बताती है कि उनके जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं और वह अपनी मौत से पहले अनीता की शादी देखना चाहती हैं। वह बताती हैं कि उन्होंने एक लड़का पसंद किया है, अनीता उससे शादी कर ले। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अनीता उस लड़के से शादी कर लेती है। शादी के बाद दुल्हन बनी अनीता अपने ससुराल जाती है। वहां वह बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सुहागरात के दिन भी उसका पति घर नहीं आता। उसके ससुर जो बीमार रहते हैं, इधर अनीता अपने पति का इंतजार करती है, लेकिन पति की जगह रमेश उसके कमरे में आ जाता है। यह देखकर अनीता हैरान हो जाती है। रमेश बताता है कि अनीता की शादी उसके बड़े भाई से हुई है। उसके हाथ में एक चिट्ठी है जो वह अपने पिता को देता है। पिता चिट्ठी पढ़ते ही इतने दुखी होते हैं कि उन्हें लकवा मार जाता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं शादी के लायक नहीं था, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। यह सुनते ही अनीता पर वज्र का पहाड़ टूटता है। दुखी अनीता अपने ससुर जी को देखती है जिन्हें लकवा मार गया है। वह बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इधर रमेश अनीता को परेशान करता है। अनीता उससे बचती बचाती एक कोने में खड़ी होती है। रमेश उससे कहता है कि अब तो उसका भाई और अनीता का पति मर चुका है, तो वह देवर है और उसका पूरा हक अनीता पर बनता है। अनीता रोती है और रमेश से बचने के लिए वहां से चली जाती है। रमेश के पिता वकील को बुलाते हैं और अपनी पूरी जायदाद अनीता के नाम कर देते हैं। उन्हें ये पता है कि रमेश आवारा है और सारी जायदाद को यूं ही बर्बाद कर देगा। दुखी अनीता अपने ससुर को संभालती है, तभी पता चलता है कि उसकी मां का देहांत हो गया है। यह सुनकर वह टूट जाती है। इधर रमेश के पिता यानी अनीता के ससुर की भी तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी भी मौत हो जाती है। रमेश अनीता से जायदाद हथियाना चाहता है और उससे कहता है कि वह जायदाद के पेपर्स पर साइन कर दे। उसके साथ आए वकील जायदाद को बचाना चाहते हैं और अनीता का दर्द समझ रहे होते हैं। वे रमेश से कहते हैं कि जायदाद अनीता के नाम ही है और अनीता के नाम ही रहेगी। यह सुनकर रमेश गुस्से में वकील से झगड़ा करता है। इसी बीच जायदाद के पेपर में आग लग जाती है और जायदाद के पेपर्स जलकर खाक हो जाते हैं। इधर रमेश को जायदाद नहीं मिलती तो वह अनीता पर हमला करता है। अनीता रात में
अकेली होती है तो रमेश उसके घर में घुस जाता है और उसे बहुत परेशान करता है। अनीता उसके सिर पे एक बड़े से भारी सामान से वार करती है जिससे रमेश बेहोश हो जाता है और वह घर छोड़कर चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसकी मुलाकात रुबाया से होती है। रुबाया जो अनीता से कहती है कि वह उसे मॉडल बनाएगी, वह एक औरत है और उसके दर्द को समझ सकती है। अनीता रुबाया के चंगुल में फंस जाती है। रुबाया उसे सहारा देने की बात कहती है लेकिन गलत काम में लगा देती है। वह अनीता को एक धनवान शख्स के साथ होटल भेजती है। वह वही होटल क्लार्क होता है जहां अनीता को पता चलता है कि मॉडलिंग के लिए नहीं बल्कि उससे गलत काम कराने के लिए रुबाया ने उस शख्स के साथ उसे भेजा है। अनीता वहां से भाग आती है। उसे रुबाया की सच्चाई पता चल जाती है। वह पुलिस में जाकर रुबाया के खिलाफ FIR दर्ज कराती है जिससे पुलिस रुबाया के घर पर छापेमारी करती है। रुबाया को गलत काम करने के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। रुबाया अनीता से नफरत करने लगती है और वह अनीता को परेशान भी करती है। अनीता बताती है कि वह कैसे रुबाया से, रमेश से और अपनी परिस्थितियों से जूझती हुई किस तरह से खुद को बचाया है। इसी घटनाक्रम में वह अचानक देवेंद्र को सड़क किनारे बेहोश मिलती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को देवेंद्र के घर में पाती है। अनीता बताती है कि कैसे उसने याददाश्त चले जाने का नाटक किया सिर्फ इसलिए कि देवेंद्र उसका प्यार है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे यह सब करना पड़ा। वह देवेंद्र के घर में सुरक्षित है और बहुत खुश है। यह देखकर अनीता बनी अनामिका तय करती है कि वह अपना पूरा जीवन देवेंद्र के साथ और उसके चाचा जी और डॉली के साथ ही गुजारेगी, लेकिन उसकी सच्चाई अब यही है। देवेंद्र अनीता यानी कंचन यानी अनामिका की सच्चाई जानकर उदास हो जाता है। अनामिका ये भी कहती है कि एक औरत के लिए बिना जाने समझे उसकी कहानी लिखना तो आसान होता है, लेकिन उस औरत पर क्या बीती होगी, उसके जिंदगी की सच्चाई और जीवन को समझना बहुत मुश्किल होता है। यह सब सुनकर देवेंद्र को गलती का एहसास होता है। वह अनामिका को प्यार भरी निगाहों से देखता है, तभी वहां रमेश आ धमकता है। वह अनामिका और देवेंद्र को एक साथ देख लेता है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। देवेंद्र और अनामिका को यह एहसास हो गया है कि रमेश आ चुका है और वह अपना बदला लेना चाहता है। देवेंद्र और अनामिका दोनों रमेश से बचने का प्रयास करते हैं। रमेश और देवेंद्र के बीच झगड़ा होता है। इधर अनामिका
पुलिस को फोन कर रही होती है, लेकिन रमेश फोन का फोन को नुकसान पहुंचाता है और पुलिस को फोन नहीं करने देता। अनामिका रमेश से बचती है, छुपती है। इधर देवेंद्र भी रमेश से बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसने बंदूक निकाल लिया है। वह अनामिका की हत्या करना चाहता है, अपना बदला लेना चाहता है। देवेंद्र और रमेश के बीच जमकर लड़ाई होती है। रमेश से बचने के लिए देवेंद्र उपाय ढूंढता है। वह सारे जितने भी बिजली के बल्ब हैं सबको तोड़ देता है। अंधेरा हो जाता है और रमेश को दोनों दिखाई नहीं देते। दोनों अलग अलग छुपे होते हैं। रमेश हर हाल में अनामिका को मार देना चाहता है और देवेंद्र अनामिका को हर हाल में बचाना चाहते हैं। दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है। इसी बीच देवेंद्र बिजली का तार एक खंभे में लगा देते हैं, जिससे खंभे में करंट आ जाता है। रमेश उस खंभे को छूता है तो उसे करंट लगता है और उसकी मौत हो जाती है। देवेंद्र अनामिका को बचा लेते हैं। इस तरह से अनामिका, कंचन, आरती देवेंद्र की हो जाती है। वह बहुत खुश है और देवेंद्र भी अनामिका को पाकर खुश हैं। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि सभी औरतों के जीवन में शायद कुछ न कुछ परेशानी होती होगी, इसी वजह से वह बेवफा होती हैं। भाई तो मान ही नहीं रही।
कहो पिया हमसे कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे जरा तो अपने जो तुम हो अपने किसी का फिर लेकर अंत तक कौतूहल पैदा करती है और दर्शकों को बांधे रखती है। रघुनाथ झालानी के बेहतरीन निर्देशन और शशि भूषण की लिखी पटकथा को पर्दे पर संजीव कुमार और जया भादुरी ने अपने अभिनय से जीवंत किया है। सुरेंद्र प्रकाश की कहानी को मदन जोशी ने संवाद के जरिए अनजाने रिश्तों की डोर में पिरोया है, जो काबिले तारीफ है। यह फिल्म समाज को भी एक बेहतरीन संदेश देती है। पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले के गाए अनामिका फिल्म के गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। इसके गाने मेरी भीगी भीगी सी हो या बाहों में चले आओ हो या फिर लोगों न मारो इसे काफी पसंद किए जाते हैं। कहानी अनामिका की आज के कार्यक्रम सिनेमा घर में। तो अब इस कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए विविध भारती के
कार्यक्रम। नमस्कार। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली FM 106.4 MHz पर। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना आयुर्वेद डाबर हनी टस अपना, खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिनेमा घर। विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है FM 106.4 MHz पर। 12 बज चुके हैं और अब सुनते हैं कार्यक्रम पल पल दिल के पास।